जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्टो रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब आपका परिवार अच्छा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्टो रेसलिंग में फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए रिसेंटली देखा जाए तो WWE कंपनी में बहुत कुछ हो रहा है और एक काफी बड़ा मैच है, एक्चुअली दो मैचेस है। अभी दोनों मैचेस में से कौन से मैचेस होंगे ये मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहना। और हाँ, एक दोस्तों इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बता दूं आपको, मैं अपडेट बता दूं कि भाई यार मैं ना घर से बाहर हूँ इस वक्त और स्टूडियो में नहीं हूँ अपने, जिस वजह से आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस का सामना करना पड़ता था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए उस मेरी गलती के लिए, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, लेकिन अपना काम अपना बिजनेस चलाना जरूरी है यूट्यूब वाला, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। लेकिन हाँ, जानता हूँ कि आप मेरे लोयल सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं है तो प्लीज बन जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन आपको अपडेट जरूर दूंगा। शुरू करते हैं। देखिए दो मैचेस की बात करी, एक मैच है बड़ा मैच है एक्चुअली, रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक, और दूसरा मैच है रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स। अब देखिए दोनों में लेके कंफ्यूजन है कि दोनों में से कौन से मैचेस होंगे रेसलमेनिया के अंदर, रेसलमेनिया कोटे के अंदर। देखिए मैं आपको इसमें से चीज बताता हूँ कि दोनों मैचेस हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी दोनों मैचेस आप रेसलमेनिया में करा दोगे, और हाँ रेसलमेनिया में मैच हो सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक हो, बिल्कुल आप चाह रहे होंगे, ये बिगेस्ट मैच है। आप कई लोग चाह रहे होंगे रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स, तो बिकॉज कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी को फिनिश करना है, चैंपियन बनना है रोमन इसको हरा के, वो भी क्लियर है। अब देखिए शुरू से बात कर रहे हैं, रॉयल रंबल में रोमन रिंग्स डिफेंड करेगा अपना टाइटल अगेंस्ट फैटल फोर वे मैच। अब ये फैटल फोर वे में देखा जाए तो रोमन की ऑड्स तो उनके फेवर में ही है, रोमन रिंग्स यहाँ पर क्लियर कट टाइटल को रिटेन करने वाले हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के, ये तो बात क्लियर हो चुकी है। बिकॉज अगर सिंगल अपोनेंट होता वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती, बिकॉज अगर रैंडी ऑर्टन होते रोमन के सामने, वहां पे कह सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन का पिन होगा, शायद पिन ना करवाए रैंडी ऑर्टन हरा दें भाई साहब, ऐसा भी हो सकता है। बट फाइनली देखा जाए ऐसा नहीं है, फेटल फोर वे मैच है और फेटल फोर वे में से रोमन रिंग्स को रैंडी ऑर्टन को पिन करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को भी पिन कर सकता है ऑर्टन को छोड़ के। तो यहाँ पर रोमन की ओड्स रोमन के साथ है, वो रोमन रिंग्स रॉयल रंबल में अपना टाइटल को रिटेन कर लेंगे सक्सेसफुली। अब देखा जाए कोडी रोड्स रॉयल रंबल में मैच में आने वाले हैं, रॉयल रंबल मैच में कोडी रोड्स उतरने वाले हैं, लेकिन इस साल कोडी रोड्स रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले हैं, ये मैं अभी से कह रहा हूँ, क्योंकि कोडी रोड्स जीतेगा एलिमिनेशन चेंबर एंड देन उसके बाद रेसलमेनिया में टाइटल को चैलेंज करेंगे टाइटल होल्डर को। अब यहाँ पे रोमन रिंग्स के सामने पॉसिबिलिटी चीजें सामने आई है, बिकॉज द रॉक का रिटर्न हुआ था मंडे नाइट रॉ के अंदर और उसने क्लियर कट ये कह दिया था एडवर्टेबल। अब इसका मतलब तो भाई साहब समझ सकते हो कि ये रॉक का क्लियर इंटेंशन है कि वो रोमन रिंग्स के साथ लड़ना चाहते हैं। अब देखिए ये चीजें पहले नहीं हुई, पहले काफी रूमर था। सबसे पहले बताऊं रेसलमेनिया 37 जो थी वो LA के अंदर थी और वहां पर रूमर मैच था रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक, लेकिन वहां ये मैच नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन था समझ लो आप। लेकिन अब वो चीजें सामने आई है, बिकॉज लास्ट ईयर LA के अंदर ही था सब कुछ 39 के, वहां उम्मीदें थी कि रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक होगा लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब फाइनली द रॉक रिटर्न कर चुके हैं और रोमन रिंग्स का नाम ले दिया और रोमन रिंग्स ने भी रिएक्ट किया उनके इस चैलेंज पर। और तो समझ सकते हो कि आप WWE कंपनी ने बीज बोती है दोनों की तरफ से रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का। अब मैंने आपको बताया था कि रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का मैच इसी साल होगा, अभी ही होगा रेसलमेनिया से पहले होगा, यानी कि एलिमिनेशन चेंबर इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, वहां पर ये मैच क्लियर कट एज अ मेन इवेंट प्लेयर खेलेगा। अब दोस्तों कहीं लोग जाने कि इस मैच को अब रेसलमेनिया 40 में करवाओ, और ऐसा भी हो सकता है बिकॉज रेसलमेनिया 40 इज द बिगेस्ट इवेंट एंड, लेकिन वहां पर ये उम्मीद है कि कोडी रोड्स का क्या होगा। देखिए दोस्तों कोडी रोड्स का मैं आपको क्लियर कट एक चीज बता दूं, कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में चैंपियन बनेंगे ही, अब चाहे वो रोमन रेंज को फेस करें या किसी और को, बिकॉज अगर किसी और को फेस करना चाहते हैं कोडी रोड्स तो रॉयल रंबल में रोमन रेंज को हारना होगा। आप समझ सकते हैं कि रोमन रेंज को रॉयल रंबल में हारना होगा, और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है वो मैं आपको बता चुका, रोमन रेंज ऑड्स का सामना कर रहे हैं और ऑड्स में सबसे ऊपर है, यानी कि रोमन रेंज फेवरेट है इस मैच को जीतने के। अब देखिए कुछ दिनों पहले एक रूमर भी आया था कि रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक एक सिंगल मैच हो सकता है और ये रेसलमेनिया में हो सकता है, बिकॉज फैंस को फर्क नहीं पड़ता कि आप रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक के मैच में टाइटल को इंक्लूड करें, बिकॉज ये सिंगल मैच भी एक धांसू मैच हो सकता है। फैंस को सिर्फ देखना है कि रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक को बस उसमें टाइटल, और इसमें देखा जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का मैच सिंगल मैच भी कराते हैं विदाउट टाइटल तभी मैच ब्लॉकबस्टर बन सकता है, बिगेस्ट बजट बन सकता है।
आपको टाइटल की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए रोमन रेंस का टाइटल हारना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे होगा, वो रॉयल रंबल के अंदर हो सकता है, बिकॉज आप रोमन रेंस को रॉयल रंबल में टाइटल हरवा दीजिए, उससे दो चीजें होंगी, एक तो रोमन रेंस हंसी था रोक का मैच भी रसल में हो जाएगा, कोडी रोड्स को उनको टाइटल मैच ही मिल जाएगा और कोडी रोड्स की स्टोरी भी फिनिश हो जाएगी और रोमन रेंस हंसी था रोक का मैच रसल में 40 में देखने को मिल जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी, दोनों ही मैच रेसलमेनिया में होंगे। हाँ मानता हूँ कोडी रोड्स का मैच शायद रेसलमेनिया के मेन इवेंट में ना हो और रोमन और रॉक का ही होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोडी रोड्स का चैंपियन बनना जरूरी है, बिकॉज लास्ट ईयर वो बंदा ऑलरेडी मेन इवेंट कर चुका है, तो इस साल नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों मैच करा सकते हैं, लेकिन रोमन रेंस का रॉयल रंबल में टाइटल हारना जरूरी है अगर ये मैच करवाने हैं दोनों, तो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच होगा लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में होगा और वहीं पर ये मैच टाइटल डिफेंड होगा और क्लियर कट पता ही है आपको, रोमन रेंस हरा देंगे रॉक को। लेकिन अगर ये सिंगल मैच होता है तो भाई साहब वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि रोमन रेंस ही जीतेगा, वहां पे रॉक भी जीत सकता है और रेसलमेनिया में भी मैच हो सकता है, एलिमिनेशन चेंबर में आप दोनों की रोमन रेंस और रॉक का फेस टू फेस करवा दीजिए एंड देन भी चेंबर में और रेसलमेनिया में इनका मैच करवा दीजिए, कोडी रोड्स को अपोनेंट मिल जाएगा चेंबर के बाद, बिकॉज रॉयल रंबल में अगर किसी को चैंपियन बनाना है रोमन रेंस को हरवा के, तो आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा रैंडी ऑर्टन, रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को छोड़ के किसी का भी पिन कर दे, वो टाइटल जीत जाए, उससे रोमन रेंस को पिन भी नहीं लेना पड़ेगा, रोमन रेंस टाइटल भी लूज कर जाएगा जो कि इतने टाइम चला आ रहा है, और रोमन रेंस का जीता रॉक का मैच भी हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस अगर रॉयल रंबल में टाइटल हारेगा भी तो किसी को घंटा फर्क पड़ेगा, बिकॉज सबको रोमन रेंस का जीता रॉक का मैच देखना है और ये मैच में टाइटल हो ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रॉयल रंबल में रोमन रेंस का टाइटल हारना बिल्कुल जायज है, अगर ये होता है तो मैं बिल्कुल एग्री हूं इस बात से, रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बना दो एंड देन फिर रेसलमेनिया में कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच करवा दो, कोडी रोड्स वहां पे ऑर्टन को हरा के चैंपियन बन जाएंगे और यहां पर रोमन वर्सेस रॉक का मैच सिंगल मैच हो सकता है, इससे बड़ी चीज क्या होगी, वो भी रेसलमेनिया में हो जाएगा। अब बताइए आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं नहीं, बिकॉज ये चीजें कहीं ना कहीं हो सकती है रेसलमेनिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें होंगी ही होंगी, कंफर्म ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज ये डब्ल्यू कंपनी यहाँ पर हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, स्पॉइलर्स मिलते रहते हैं, रिजल्ट मिलते रहते हैं, लेकिन किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि चीजें बताइए कि सही है या नहीं, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें सही हैं और बिल्कुल काम कर सकती हैं डब्ल्यू कंपनी के लिए। रेसलमेनिया के प्लान्स में मानता हूँ कि चेंजेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज कोडी रोड्स के लिए अलग अपोनेंट, रोमन रेंस के लिए अलग अपोनेंट, बट इट इज अ वेरी गुड स्टोरी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द गल्टो रास्ते फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यू डब्ल्यू ई। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, कल मिलते हैं।